जैसा कि देख पा रहे हैं होंडाई की एलांट्रा है, 2014 का मॉडल है, न्यू एलांट्रा है। गाड़ी अभी चालू है, पेट्रोल कार है और आउटसाइड टेम्परेचर आप देख लीजिए कितना है। आउटसाइड टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने एसी चालू रखा है, एसी का बटन ऑन है, ग्लोर फर्स्ट लाइट ग्लो दिख नहीं रहा है, देखने आप तीन पे है। और कूलिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 5.7 है। कूलिंग भी अच्छी हो रही है, कूलिंग मस्त हो रही है, 5.5 पे आ चुका है अभी। और ये आउटसाइड का है, प्रॉपर चल रहा है। ये फ्रंट डिफोगर का है, प्रॉपर चल रहा है। और ये रही रियर डिफोगर का, प्रॉपर चल रहा है। ये रही टेम्परेचर सेट करने का, यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, एक ही साइड कर सकते हैं। अगर यहाँ ड्यूल पे रखेंगे आप, ड्यूल का फीचर क्या है कि आप इसको अगर ड्यूल पे चालू रखेंगे ना, तो यहाँ से आप एक ही साइड से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 18 पे लिया या 20 पे लिया, या हीटर बिल्कुल हाई कर दिया, तो हाई कर दिया तो अभी ड्यूल ऑफ हो गया। ड्यूल पे रखूंगा मैं तो इधर लो ले सकता हूँ मैं, और इधर हीटर रहेगा मेरा, तो मैं हवा का मोड जरा मोड पैटर्न से सामने रख लेता हूँ, एयर सामने रख लिया हूँ। और हीटिंग टेम्परेचर आप देख पाएंगे, देख पा रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो बाकी सब सिस्टम सही चल रहा है इसका। हीटिंग टेम्परेचर हम हीटर हाई पे रखते हैं दोनों साइड का, और हीटिंग टेम्परेचर देख लेंगे कितना तक पहुंच रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, मैं हाई दोनों साइड रखा हूं और हीटिंग टेम्परेचर देख लेंगे। बाकी और रही ये वाला सीट के ऊपर जो ब्लोअर दिया हुआ रहता है, बहुत लोगों का कहना क्या है कि पीछे भी एसी दिया, सीट के नीचे भी एसी दिया हुआ रहता है, तो ये एसी दिया हुआ नहीं रहता है। ये जो अपने अंदर एसी जब चालू करते हैं तो ठंडी जो पूरी कैबिन जो गाड़ी के अंदर जो ठंडी हो जाती है ना, वही हवा को ये खींच के फिर पूरी सीट के ऊपर फैलाता है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो होल दिख रहे हैं छोटी छोटी होल, पूरे सीट के ऊपर दिया हुआ रहता है। तो जब ये चालू करेंगे ना यहाँ से, तो ये सीट के ऊपर से होल में से हवा आने लगता है, यानी यही ठंडी हवा फिर गाड़ी जब पूरी ठंडी हो जाती है तो वही ठंडी हवा फिर इस सीट के ऊपर पूरा घुसाया जाता है, यानी होल में, ये हॉल में यहाँ से अंदर से पंप करके हवा को अंदर घुसाया जाता है, वही ठंडी हवा फिर ये ठंडी होने लगती है। बाकी पीछे एसी वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं रहता है, अलग से सेपरेट इवापोरेटर कॉइल दिया हुआ नहीं रहता है। बाकी सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है, मोड बटन भी प्रॉपर चल रहा है। हीटिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 50 तक पहुंच गया, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज।